कॉमेडी की दुनिया में सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियंस में से एक गिने जाने वाले हैं राजू श्रीवास्तव, जिनकी हालत फिलहाल बहुत ठीक नहीं है। अपनी कॉमिक टाइमिंग से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आने वाले राजू श्रीवास्तव बेसुध हैं। गजोधर भैया के किरदार से सबको गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव के आईसीयू से बाहर आने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब राजू श्रीवास्तव उठेंगे और किसी भी सेलिब्रिटी की मिमिक्री करके दिखा देंगे। 10 अगस्त को पहले से हार्ट पेशेंट राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। राजू श्रीवास्तव को नया स्टंट डाला गया है। राजू श्रीवास्तव के फैंस लगातार उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में राजू श्रीवास्तव के परिवार से सीएम योगी और पीएम मोदी ने बात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हालचाल लिया। बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल एम्स पहुंचे थे, उन्होंने राजू श्रीवास्तव की पत्नी और परिवार से बात की थी। सभी ने राजू श्रीवास्तव का हाल लेने के साथ साथ उनके अच्छे से अच्छे इलाज की पूरी व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया है। हालत में सुधार तो है, लेकिन अभी भी कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले हैं। 25 दिसंबर 1963 को उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन में अब तक कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। राजू श्रीवास्तव का करियर। राजू ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में कैसेट बेचने से की थी और फिल्मों में कॉमेडी एक्टर के लिए ऑडिशन देते थे। हालांकि उन्हें सुप्रसिद्ध कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली और इसी शो से उन्हें आज भी जाना जाता है। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन होने के साथ साथ एक नेता भी हैं। साल 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी हैं। राजू श्रीवास्तव की फिल्में। राजू ने फिल्म तेजाब से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जो कि साल 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनका रोल हालांकि बहुत छोटा था। राजश्री प्रोडक्शंस की साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से असल डेब्यू राजू श्रीवास्तव ने किया था। उन्होंने बॉलीवुड में मैंने प्यार किया, बाजीगर, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा जैसी हिट फिल्मों के माध्यम से लोगों को खूब गुदगुदाया है। राजू श्रीवास्तव का राजनीतिक करियर। राजू टेलीविजन का जाना माना नाम है। ये एक्टर देश के सबसे सफल स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक है, जो कई राजनेताओं और एक्टर्स की नकल करके लोकप्रिय हुए। राजनीति में भी राजू अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए राजू श्रीवास्तव को कानपुर से मैदान में उतारा था, लेकिन 11 मार्च 2014 को श्रीवास्तव ने ये कहते हुए टिकट वापस कर दिया था कि उन्हें पार्टी की स्थानीय इकाइयों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। उसके बाद 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी। राजू श्रीवास्तव का परिवार। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने शिखा से शादी की थी और उनके एक बेटा और बेटी हैं। बेटे का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव और बेटी का नाम अंतरा श्रीवास्तव है। उनके अलावा राजू के पिता का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव है, वहीं उनकी माता का नाम सरस्वती श्रीवास्तव है। राजू श्रीवास्तव के एक भाई भी हैं, जिनका नाम दीपू श्रीवास्तव है। ये हैं राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने अब तक के करियर में टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। दुआ करते हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्द स्वस्थ हों और फिर से अपनी मनमोहक बातों से हम सबको गुदगुदाएं। आप राजू श्रीवास्तव के कौन से अंदाज को, उनके कौन से किरदार को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।